हाँ चालू कर दो उधर से। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन सीट में। और क्या आप भी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी? तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, यही आएगा पेपर दिखाओ अपना दम। पूरे के पूरे 300 में से आपके आएंगे 250 नंबर और बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, बस रट लेना यह क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले मात्र आपके पास में 2 दिन और शेष है और बिल्कुल 9 दिन से यानी कि 10 दिन में हम पूरा पूरा पेपर देखने वाले हैं। आ जाइए सभी विद्यार्थी, जुट जाएंगे कि जब तक सफल ना हो जाओ तुम, चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों के मैदानों को ऐसे ही छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आ जाइए सभी विद्यार्थी, एक बार देखें। हाँ, यहां पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया है, देखें कि मध्यकालीन भारत में यानी कि प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार के यानी कि थे? जल्दी से बताएंगे। अकबर के थे, औरंगजेब के थे, बाबर के थे या फिर हुमायूं के हो जाएंगे? स्टार लगा देना। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब बोलेंगे सर जी यहाँ पर ए तो हो जाएगा, सभी विद्यार्थी जानते हैं, मैं जानता हूँ बिल्कुल, यानी कि एक को लॉक करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी और बिल्कुल लगभग विद्यार्थी यहाँ पर एक को लॉक कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे। परंतु हम देखेंगे सर जी कि यहां पर हो जाएगा, हां लगभग विद्यार्थी सही बता रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा कि अब अकबर के 9 रत्नों के नाम कौन कौन जानता है? बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे आपके और यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लिख लीजिए। पहला रत्न हो जाएगा अकबर का, सर जी अकबर का, एक तो हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है चलिए ये लिख देंगे। दूसरा हो जाएगा सर जी बीरबल हो जाएगा, सभी जानते हैं बीरबल को तो, ठीक है ना, चलिए। तीसरा हो जाएगा सर जी, बिल्कुल तीसरा लिख लीजिए, तानसेन ही लिख लीजिए, तानसेन हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा हो जाएगा सर जी टोडरमल, टोडरमल को लिख लीजिए। टोडरमल को कौन नहीं जानता है? राजस्व मंत्री था ना, बिल्कुल बहुत बार पूछा जाता है कौन था, तो टोडरमल था, राजस्व मंत्री था। ये नहीं आए तो बिल्कुल शेरशाह सूरी को लॉक कर देने का, ठीक है। चलिए यहां पर बोलेंगे पांचवें नंबर पर लिख लीजिए सर जी मानसिंह, लिख दिया, मानसिंह नहीं लिखा, बिल्कुल मानसिंह लिख दीजिए, मानसिंह हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा सर जी छठे नंबर पर लिखिए रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था, रहीम लिख दो, रहीम से अपना काम चल जाएगा। अब लिख दीजिए 7वें नंबर पर सर जी हकीम थे, कोई ना कोई हकीम, हकीम लिखिए, हकीम हुक्काम थे, कौन थे? हकीम हुक्काम, पूरा का पूरा लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे 8वें नंबर पर लिख देंगे सर जी कौन हो जाएंगे? हकीम हुक्का के बाद में सर जी हो जाएंगे मुल्ला दो पियाजा, था मिल्ला दो पियाजा, ठीक है, पियाजा लिख देंगे, ठीक है, मुल्ला, मुल्ला दो पियाजा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे द नहीं था, वो भी दो था, ठीक है। चलिए यहां पर 9वें नंबर पर फैजी था, कौन? फैजी ने क्या किया सर जी? रामायण और महाभारत के फारसी में अनुवाद किसने किए? फैजी ने किए, ठीक है ना। फैजी ने किसका किया सर जी? इनका किया, बदायूनी ने भी किए थे, ध्यान रखना है, बदायूनी रामायण और महाभारत, और फैजी ने शायद लीलावती का किया था, ये मैंने पढ़ा हुआ है ना। चलिए लगभग विद्यार्थी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लाइव की संख्या पहले से बिल्कुल 800 पार चल रही है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार बिल्कुल डंका लगा देंगे 1000 का, जल्दी से, क्या बात है। चलिए यहां पर चलेंगे सर जी, किस पत्रकार की आत्मकथा यानी कि शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द आपके अनटोल्ड स्टोरी है? स्टार लगा देना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेगा। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया और जेल वार्डन में 1 बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर बोलेंगे वीर सांघवी हो जाएंगे, प्राणय आपके हो जाएंगे, रॉय हो जाएंगे, विनोद दुआ हो जाएंगे या फिर करण थापर हो जाएंगे। देखें जल्दी से बताएंगे प्रत्येक विद्यार्थी, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जल्दी से आ जाइए। चलें, हाँ तो यहां पर देंगे डी को लॉक कर देंगे, करण थापर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी यहां पर बिल्कुल डी को लॉक करे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़ो, बहुत अच्छे। चलें, हाँ यहां पर चलेंगे डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। और ये अकबर के 9 रत्न लिखा है, वो पूरा का पूरा मुंह जुबानी याद होने चाहिए सभी को। हाँ चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें जल्दी से बताएंगे बिल्कुल, यानी कि निम्न में से कौन सी हो जाएगी संधि विच्छेद सही नहीं है? हिंदी का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बिल्कुल आप गलत करके आओगे, है ना। चलिए नहीं करके आएंगे पूरा पूरा, मुझे विश्वास है कि यानी कि संधि आपने टॉपिक वाइज ले रखी है तो आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी निरीक्षण का यानी कि निहधन इक्षण हो जाएगा, हाँ सर जी बिल्कुल लग तो यही रहा है, ओके। चलिए वयोव्रत का सर जी वयधन व्रत हो जाएगा, ठीक है यही लग रहा है सर जी, सही है, ठीक है। अंततो गत्वा का सर जी अंततः धन गत्वा हो जाएगा, सही है, अंतधन गत्वा हो जाएगा, सही है बिल्कुल सर जी हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे पुनरुक्ति का सर जी पुनः धन आपके उक्ति हो जाएगा, हाँ सर जी र का उ का सर जी उक्ति में बदल जाएगा, ठीक है चलिए अच्छी बात है, अच्छा दे रखा है। अब यानी कि देंगे सर जी, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये निरीक्षण दे रखा है, सरसरी निगाहों से देखिए, आंखों ही आंखों में लॉक करना है सर जी। निरीक्षण में ये ई की मात्रा बड़ी दे रखी है, ई की मात्रा सर जी बड़ी दे रखी है, तो यहाँ पर ई की मात्रा यानी कि ये छोटी ई क्यों दी? यहां पर बड़ी देना चाहिए ना, बिल्कुल डायरेक्ट ए को लॉक कर देंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और संधि विच्छेद में बिल्कुल यानी कि क्या करेंगे, ये निरीक्षण में सर जी ई की मात्रा यदि बड़ी दे रखी है तो सर जी यहां पर भी ई बड़ी वाली आनी चाहिए ना, छोटी वाली क्यों दी, तो बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए चलिए आगे चलेंगे नेट क्वेश्चन। हाँ, नेट क्वेश्चन से पहले यदि आपको भी नहीं पता है कि यानी कि आपके 10 तारीख को महामैराथन क्लास होने वाली है, तो रीजनिंग में यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आपको महामैराथन क्लास लेनी है 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे फिक्स 7:30 बजे आपको लाइव आ जाना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल संपूर्ण रीजनिंग 5 घंटे की महामैराथन साथ में अपने बोरिया बिस्तर बांध कर आप सभी विद्यार्थी अपने सपरिवार आपके आमंत्रित होंगे और बिल्कुल 14 टॉपिक पूरे पूरे क्लियर करेंगे। एक ही क्लास में पूरी की पूरी रीजनिंग को खत्म करेंगे और रीजनिंग की महामैराथन आपके बिल्कुल यानी कि आपने बोला था और आपके लिए हम लगा रहे रीजनिंग की महामैराथन क्लास, ठीक है। चलिए ध्यान में रखना, सभी विद्यार्थियों को आना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नंबर दे दूं एक बार, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर लिख लो 78 77 02 84 67। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, लाइव क्लासों की रोजाना लिंक चाहिए, बिल्कुल फ्री में, कोई पेमेंट नहीं। चलिए हाँ, और यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कि बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी अभी बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, तो आगे क्लास में बात करते रहेंगे और चलता रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए नेट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। धरती का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, फटाफट तरीके से आंसर देंगे। और यहाँ पर लाइव की संख्या 1000 पार तो हो ही गई, क्या बात है, वेरी गुड। राजस्थान के बच्चों को पाना नहीं मिला, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहाँ पर जस्सू आ चुकी है और यहाँ पर हो जाएगा पल्लवी आ चुकी है, गुंजन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाओ, देखें हैं। चलिए यहाँ पर सर जी 10 का 110 आया, ठीक है, यानी कि 10 को इंटू किया होगा 11 से तो 110 आ गया। सभी को बताए, ये तो सभी को बताए कि सर जी 10 को 11 से इंटू किया 110 आ गया, यानी कि लॉजिक क्या लगा, 10 को 10 प्लस 1 से गुणा किया होगा, ठीक है। चलिए तो हम भी 11 को 11 प्लस 1 से गुणा कर देते, ठीक है। चलिए यदि 11 को 11 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो सर जी 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, अब 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। सर जी ऑप्शन में दे रखा है तो यही लॉक करना है, डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। 10 प्लस 1 11 होता है, 10 इंटू 11 सर जी 110 होता है, यहाँ पर 110 दे रखा है, ठीक है। चलिए अब लॉजिक लगाएंगे, 11 को 11 प्लस 1 इंटू कर देंगे 11 तो 12 इंटू 11 कर देंगे कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी 132 हो जाएगा। मजा आ गया, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लगभग विद्यार्थी बिल्कुल बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्न में से सर जी कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायिका शैलियों से यानी कि सबसे पुराना है। सर जी माइनस मार्किंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। चलिए माइनस मार्किंग सर जी प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है, ठीक है। माइनस मार्किंग होगी 2 इंटू 1/4, 1/4 यानी कि 25% माइनस मार्किंग होगी और यहाँ पर आपके एक आधा नंबर कट जाएगा। ये देखिए 2 से 2 को भाग दिया, 2 हो गया सर जी, यानी कि कितना, आधा नंबर। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किए, ध्यान से सुना, यदि आपने 4 प्रश्न गलत किए तो 4 प्रश्न के आपके 2 नंबर कट जाएंगे। यदि आपने 2 प्रश्न गलत किए तो जितने भी सही किए आपने 1 नंबर आपके कट जाएगा। यदि आपने 1 प्रश्न गलत करके आए तो बिल्कुल सर जी यानी कि जितने भी प्रश्न आपने किए और जिनमें से भी आपके नंबर आ रहे उनमें से आधा नंबर आपके कट जाएगा, यदि 1 प्रश्न गलत किया तो, ठीक है। यानी कि रिस्क अपने ज्यादा लेना नहीं है, परंतु 2 नंबर का 1 प्रश्न है, थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हो। इसलिए सर जी मैं क्वेश्चन को छोड़कर आ जाऊं, एक क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा तो मेरे नंबर कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे मेरे चांद के टुकड़े। यदि आपने छोड़ कर आए हो क्वेश्चन तो कोई नंबर नहीं कटेगा, यदि आप छोड़ कर आए हो तो ना उसके नंबर मिलेंगे ना उसके नंबर कटेंगे, ठीक है। चलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना, और बिल्कुल आपके ऑफिशियल गाइडेंस भी आ चुकी है ना, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि बिल्कुल यानी कि ऐसी की ऐसी OMR शीट आपको भरनी है। OMR शीट कैसे भरनी है मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, वो देख लेना आराम से, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, चिंता नहीं करनी है, आराम से आपको पेपर देकर आना है। बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी से सेंटर सर जी सेंटर 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 करके उनका मुंह नहीं थक रहा है। सर जी सेंटर आएगा आपके 10 तारीख को, आज 8 तारीख है, कल का वेट कर लो, परसों का वेट कर लो, आपको सेंटर पता चल जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा और हम वीडियो अपलोड कर देंगे, चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सब हमारा काम होता है मेरे चांद के टुकड़े, आपका काम नहीं होता है, आपका काम बस सपोर्ट करना और शेयर करना होता है और पढ़ाई करना होता है, ठीक है। चलिए यहां पर देंगे सर जी इसका आंसर करेक्ट देंगे कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत घराने में सभी ख्याल में से गायिका शैलियों में सबसे पुराना, गायिका शैलियों में बोले चाहे कोई सा भी बोले सर जी सबसे पुराना होता है ग्वालियर घराना होता है। डी को लॉक कर देंगे, और लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल देखें। हाँ सर, एक खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं, क्या बात है, 20 खरगोश 20 मिनट में कितने खाएंगे? सर जी 20 मिनट में 20 खरगोश, क्या बात है, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, आगे पढ़ो, चिंता मत करो। बीच बीच में तो क्वेश्चन पूछते हो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। यहां पर बोलेंगे सर जी बिल्कुल बोलेंगे, बैंक कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए यानी कि केसीसी जारी करते हैं। ठीक है, केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब आप रोजाना तो क्लास अटेंड करते हो नहीं, सुबह की रीजनिंग की क्लास अटेंड करो, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछने। चलिए यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी बोलेंगे केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट सर्टिफिकेशन हो जाएगा। सर जी बोलेंगे कृषि क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, कृषि आपके क्रेडिट सर्टिफिकेट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। केसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फटाफट से बताएंगे, एक झटके में आपका आंसर आना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े। चलें तो बिल्कुल हो जाएगा सर जी किसान क्रेडिट कार्ड, डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें तो यहां पर बोलेंगे सर जी किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया था? तो सर जी नाबार्ड, नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके, नाबार्ड और नाबार्ड द्वारा यानी कि जारी किया गया था कब? बिल्कुल 1982 में। ठीक है, 1982 में जारी किया गया था, ध्यान में रखना है। 1998 में किया गया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था 1998 में। ठीक है, चलिए ये हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक बार यूपीएससी में पूछ लिया कि किसान क्रेडिट कार्ड सर जी केसीसी है ना, ये कब जारी किया गया। अब होता है नाबार्ड, नाबार्ड यानी कि सर जी राष्ट्रीय आपके ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। सर जी इसका मुख्यालय मुंबई में, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और बिल्कुल इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा कि सर जी इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? जल्दी से बताएंगे, देखें कौन सा हो जाएगा सर जी, यानी कि किस विकल्प में सभी कर्मधारय। अब कर्मधारय क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन वहां पर बहुत पूछे जाएंगे और बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। कर्मधारय यानी कि जिसमें विशेष की विशेषता बताई जाती है, किसकी सर जी? विशेष की जिसमें विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं। तो सर जी विशेषता किसमें बताई जा रही है? देखिए जल्दी से बताएंगे, विशेष का विशेषण सर जी क्या हो जाएगा? निशाचर, निशाचर तो सर जी बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना। सर जी निशाचर यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? सर जी राक्षस कहलाता है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर जी बिल्कुल हो जाएगा बहुग्रीवी। ठीक है, गलत कर दो, हमें कर्मधारय चाहिए। पनबरा, सर जी पनबरा यदि हो भी जाता है तो छूट भैया तो अवयवी भाव का हो जाएगा ना, छूट भैया, या फिर पनबरा भी तो नहीं होगा ना। बिल्कुल सर जी क्या बोलेंगे? बी को भी गलत कर देंगे। शुभागमन, सर जी शुभागमन में क्या होगा? शुभ है जो गमन, सर जी शुभ है जो गमन यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर जी विशेषता बता रहा है कि सर जी गमन कैसा है? शुभ है, बहुत अच्छी बात है। कमल कैसा है? सर जी चरण कैसे कमल के समान है, सर जी विशेषता बता रहे, तो बिल्कुल कर्मधारय इन दोनों में हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सी को लोग कर रहे, शाबाश बहुत अच्छे, क्या बात है। चलिए दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल हो गया। गृहस्थ, सर जी गृहस्थ यदि हो भी जाता है तो भी बोलिए देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति यानी कि सर जी देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी एक एक यानी कि आंसर देना है। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, सी को लोग कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे। चलिए लाइव की संख्या सर 1200 पार हो गई, हाँ क्या बात है, फटाफट से 1500 पार कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सर जी, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि हो जाएगा यानी कि अंतरालों के बीच में क्रमिक रूप से रखे जाने पर सार्थक श्रृंखला बनाएगा। स्टार लगा देना, और ऐसे क्वेश्चन आपके दो पूछे जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान जेड दे रखा है, रिक्त स्थान एक्स, एक्स दे दिया। ठीक है, चलिए एक दे दिया सर जी यानी कि दे दिया वाई, एक्स दे दिया। सर जी वाई के आगे इधर भी एक्स है, ध्यान में रखना, वाई के आगे इधर भी एक्स है, और सर जी इधर भी वाई के आगे एक्स ही होगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स लिख दो। यदि वाई के आगे इधर भी तो एक्स ही होगा ना, हम बोलेंगे हाँ सर जी एक्स ही होगा, एक्स लिख दिया। ठीक है, अब सर जी यहाँ पर देखिए पी के आगे जेड, पी के आगे यहाँ पर देखिए जेड दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पर जेड लिख देता हूँ। ठीक है, कोई शिकवा गिला नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे सर जी अब क्या बचा है? एक्स के आगे क्या है? बोलेंगे डबल एक्स के आगे सर जी पी है, तो डबल एक्स के आगे पी लगा दो, पी लगा दिया। रिक्त स्थान तो ऐसे ही भरेंगे, बिल्कुल हो जाएगा सर जी जेड के आगे क्या है? तो जेड के आगे एक्स दे रखा है, तो एक्स लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जेड के जस्ट आगे एक्स दे दिया, एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या ये बात सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है? देख लेंगे, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यानी कि क्या बन रहा है? एक्स पी जेड, एक्स एक्स बन रहा है, ठीक है। एक्स पी जेड एक्स एक्स बन रहा है क्या? एक्स पी जेड एक्स एक्स बन रहा है सर जी, बिल्कुल बन रहा है, शाबाश, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आंसर दे रहा है। ए को लोग कर रहे हैं, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए 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 देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि यानी कि बिल्कुल ए, शाबाश। चलिए, और यहां पर ऐसे भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 यानी कि या तो 4-4 के बना दो या 6-6 के बनाकर देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 का बनाया जोड़ा। अब बनाया सर जी 6 का बनाने के बाद में फिर से बनाया सर जी 1 2 3 4 5 6 का फिर से बना दिया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 और 6 सर जी 6 का बना दिया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स बन गया ना 6-6 का जोड़ा में, यानी कि बिल्कुल सेम टू कॉपी संख्या दे रखी, तो बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे ए को लोग, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सर जी मेरा पाना मेरे से किसी ने ले लिया, कोई बात नहीं, टेक्निकल टीम ने आज आपकी बहुत समस्याएं आ रही थी, इसलिए क्या है कि आप लड़कों को टाइम आउट बहुत करते हो ना, इसलिए टेक्निकल टीम के फोन बहुत आ रहे थे, तो उन्होंने सभी के पाने लगभग ले लिए हैं। माफी चाहूंगा, फिर से दिलवा देंगे, चिंता मत करो, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो। देखें चले, हाँ यहां पर चलेंगे। सती प्रथा को रिक्त स्थान के गवर्नर जनरलशिप के तहत यानी कि समाप्त कर दिया, कौन था सर जी? यानी कि सती प्रथा को कब 1829 में राजा राम मोहन राय के सर जी क्या किया था, समाप्त करवाया था। तो बिल्कुल बोलेंगे वो वहां के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने यानी कि सती प्रथा को समाप्त करवाया था, जल्दी से बोलेंगे। तो बिल्कुल यानी कि हो जाएगा यहां पर, लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं सर जी लॉर्ड एलनबरो हो जाएंगे, मैककॉफ हो जाएगा सर जी, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगी। देखिए करेक्ट आंसर किसका आ रहा है, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल लगभग विद्यार्थी सही बता रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। सर जी डर लग रहा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हैं क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा ना, तजुर्बा तो होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, अनुभव तो होगा ना किसी चीज का, बिल्कुल होगा सर जी, मजा आ गया, ठीक है। चलिए डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, और ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको पूछे जाएंगे। सती प्रथा विरोधी कानून कब बना था सर जी? बना था बिल्कुल यानी कि 1829 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी, ठीक है। ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। चलिए यहाँ पर हो जाएगा दोज डेज साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक आपके उपन्यास का अनुवाद संस्करण जो कि मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी से बोलेंगे, स्टार लगा देंगे। और ये क्वेश्चन आपके हाल ही में बहुत चर्चित रहा, इसलिए यानी कि मुझे लेना पड़ा, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है सर जी, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लाते हो, लंबे लंबे लाते हो, ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे, फिर हम क्या करेंगे हैं। चलिए देखिए जल्दी से, हार नहीं मानना है, क्वेश्चन को लंबा देखकर आंसर दीजिए। हाँ तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा, हम बोलेंगे सुनील आपके गंगोजा पर हो जाएंगे सर जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, सुप्रीता नंदोपाध्याय हो जाएंगे, या फिर नंदिता दास हो जाएंगे। तो बिल्कुल सर जी बोलेंगे यहाँ पर लगभग विद्यार्थी बिल्कुल यानी कि एक को लॉक कर रहे हैं, सुनील गंगोपाध्याय हो जाएंगे, एक को लॉक कर देंगे। इनको सर जी कब मिला था, जल्दी से बताएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सुनील गंगोपाध्याय को सर जी मिला था कब? 1985 में मिला था, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको तो कोई बात नहीं, परंतु ये ध्यान रखना है दोज डेज यानी कि वे दिन भी क्या दिन थे, ये किसने लिखी सर जी? बिल्कुल लिखा है सुनील गंगोपाध्याय ने लिखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाल्मीका आ चुका है, लाइव की संख्या भी 1300 पार हो गई, क्या बात है, मजा आ गया। एक बार जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, देखें क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल, देखें आदित्य आ चुका है, चलिए जस्सू आ चुका है, वेरी गुड, राधे कृष्णा आ चुकी है। चलिए हाँ यहाँ पर हो जाएगा सर जी, बोलेंगे किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर बहुत पूछेंगे, और ये होगा आपका माइंड टेस्ट होगा। देखिए देखते उपसर्ग किसने ध्यान से पढ़ा है मेरे टॉपिक वाइज में, बोलेंगे अभिभावक, अभी में सर जी क्या होगा? अभिधन भावक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भावक हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा भावुक हो जाएगा, भावुक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक ध्यान रखेंगे, सुप्रसिद्ध में एक तो सु उपसर्ग हो जाएगा, धन आपके प्र उपसर्ग हो जाएगा, एक सर जी सिद्ध का सिद्ध आ जाएगा, दो उपसर्ग हो गया सर जी, ठीक है। प्रतिनियुक्ति में कितने होंगे सर जी? प्रति नियुक्ति में कितने हो जाएंगे? प्रति धन नि धन युक्ति हो जाएगा, दो उपसर्ग है सर जी, ठीक है। चलिए पर्यवेक्षण में कितने हो जाएंगे सर जी? पर्यवेक्षण में उपसर्ग है क्या? तो हम बताएंगे हाँ बिल्कुल है, एक तो हो जाएगा पर्य धन आपके हो जाएगा अव अपर्य अवक्षण अवधन इक्षण हो जाएगा, इक्षक ये होता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, इक्षक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षण या फिर पर्यवेक्षक में दो उपसर्ग होते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा अभिभावक में सर जी ए, सिर्फ और सिर्फ अभी उपसर्ग एक को लोग कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे। और ये तो हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए यहां पर बोलेंगे, देखें ये टेक्निकल टीम एक बार देख लेना, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दो। और ये देखिए देखिए ये पूरा पूरा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए क्या बात है, वेरी गुड। यहां पर बोलेंगे त्रिभुज सर जी लड़कों को, ये त्रिभुज जो है वो लड़कों को, ठीक है लड़कों को, ओके। यहां पर हो जाएगा व्रत सर जी फुटबॉलों को, सर जी व्रत हो जाएगा फुटबॉलर को, फुटबॉलर लिख लेते हैं फुटबॉलर, ठीक है चलिए ओके। सर जी आयत है जो टॉपर्स को दर्शाते हैं, आयत है सर जी टॉपर्स को दर्शाते हैं, टॉपर्स ठीक है चलिए ओके। चलिए अब हो जाएगा सर यहां पर बोलेंगे ऐसे कितने लड़के हैं जो केवल फुटबॉलर है, केवल फुटबॉलर है सर जी, केवल फुटबॉलर कितने लड़के हैं, क्या मैं 15 को लॉक करूं क्या, हैं क्या मैं 15 को लॉक कर दूं तो केवल फुटबॉलर हो जाएंगे क्या, जल्दी से बताइए हैं। वेरी गुड, यहां पर 15 तो नहीं दे रखा है सर जी। अब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ऐसे कितने लड़के जो केवल फुटबॉलर है, ये तो केवल फुटबॉलर है सर जी, लड़के हो लड़कियां भी तो हो सकती है ना, तो 15 वहां पर ऑप्शन में आते ही एक झटके में 15 लॉक नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे ऐसे कितने लड़के हैं जो फुटबॉलर है, तो सर जी गोले में आने चाहिए, ये दो को नहीं लेंगे, दो सर जी टॉपर्स भी आ रहे हैं ना, बिल्कुल एक हो जाएगा, एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड। ऐसे कितने लड़के जो केवल फुटबॉलर, सिर्फ और सिर्फ ये गोले में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए, और ये एक आ रहा है गोले और त्रिभुज में, है ना। चलिए तो बिल्कुल लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे एक हो जाएगा। तीन कैसे हो जाएगा, तीन तो गलत दे दिया, इसका मतलब सॉरी सर जी लेट हो गया, कहां चला गया, पानीपुरी अभी भी पानीपुरी खा रहे हो क्या हैं। चलिए ओके चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी सत्यानाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सत्यानाथ कहां पर होता है, हम बोलेंगे सत्यानाथ पुरुष नर्तकों द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा रिक्त स्थान होती है, बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। बोलेंगे सत्यानाथ होता है असम में, कहां पर होता है, असम में होता है, ध्यान है सभी को, ठीक है हो जाएगा सर जी बिल्कुल। बोलेंगे वेशभूषा रिक्त स्थान होती है, केवल धोती होती है सर जी, धोती और शॉल होती है सर जी, धोती और शर्ट होती है, धोती और पगड़ी होती है, डी को लॉक कर देंगे क्या, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। चलिए लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को लॉक कर रहे हो, डी को लॉक करने वाले एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे, धोती और पगड़ी वेरी गुड, संध्या वेरी गुड। चलिए रखें रानू बहुत अच्छे, नितेश शाबाश बेटा बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रखें हाँ शेयर कर दे बेटा, हाँ राजेश शेयर नहीं किया तूने अभी तक है, चलिए इसीलिए लाइव की संख्या 1400 चल रही है। और अभी तक आपने वन सीट एकेडमी ऑफिशियल बिल्कुल आपके बिल्कुल पुलिस मात्र मात्र 10 दिन शेष बचे हैं, संजीवनी बूटी 99 रुपए में नहीं लिए तो वन सीट एकेडमी ऑफिशियल आपके ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उत्तर प्रदेश पुलिस के 15 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। बहुत डर लग रहा है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 7877028477 पर कॉल या फिर मैसेज करके बिल्कुल आपको 99 का पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हो बिल्कुल, और फिर आप कॉल करोगे तो बिल्कुल आपको मेरी टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है ऐप को डाउनलोड कर लेना है उससे पहले। चलिए आगे चलें, बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। 8 से 9 दिन में एक एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है, ठीक है ताकि आपकी क्या होगी, एक प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, दूसरा लगाओगे, तीसरा लगाओगे तो आपका यानी कि नॉलेज बढ़ता जाएगा। और आज मैं प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट भी बताऊंगा कि कैसे आपके रिजल्ट आ रहे, ठीक है आगे लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करना। चलें हाँ यहां पर बताइए, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी इसका फटाफट आंसर बताइए एक झटके में, हाँ क्या बात है वेरी गुड। सर जी बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता की मुहरों और टेराकोटा कला में निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है, स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। हाथी हो जाएगा सर जी, गाय हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता है कहां पर है, हड़प्पा पाकिस्तान में है कि भारत में, जल्दी से बताएंगे पाकिस्तान में है या फिर भारत में हो जाएगा ये बताएंगे। सर जी हाथी बिल्कुल थे उनके मोहरों पर, बाघ थे, गेंडा थे, परंतु गाय उनकी मोहरों पर नहीं थी, बिल्कुल क्या बोलेंगे बी को लॉक कर देंगे, गाय नहीं थी। लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए हाँ डी को भी लॉक कर रहे हैं, गेंडा भी है क्या, नहीं नहीं वेरी गुड पाकिस्तान में, शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड। चलिए सभी बोल रहे हैं सर जी मैंने फोन पे गूगल पे नहीं चलता है, किसी और से, हाँ बिल्कुल फोन कर देना, किसी और से पेमेंट करवा के भी फोन कर सकते हो। चलिए आगे चलें, हाँ गेंडा हो जाएगा सर जी, गाय, गाय बैल को भी दर्शाया गया था वेरी गुड शाबाश बिल्कुल। अब देखो लगभग विद्यार्थी यहाँ पर डी को लॉक करते करते यहाँ पर आ गए बी पर, क्या बात है वेरी गुड, सर जी ने बी बोला, बी को लॉक कर दूंगा, क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में, शाबाश बहुत अच्छे। हाँ लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो बिल्कुल, यानी कि बी को लॉक कर देंगे, गाय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बेल को दर्शाया गया, बिल्कुल बेल को भी दर्शाया गया है। चलिए आगे चलेंगे, परंतु गाय को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। लगभग विद्यार्थी यहां पर बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है, शाबाश। यहां पर चलेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया सर जी, जो तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। और तद्भव किसको बोलते हैं? तो तद्भव जो शब्द होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सर जी, ये होते हैं आम बोलचाल की भाषा में जो होते हैं ना, वो सर जी आम आदमी द्वारा बोले जाते हैं। जैसे कि चिड़िया हो जाएगा, हम आम भाषा में बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं, तो सर जी हो जाएगा बिल्कुल चिड़िया हो जाएगा। अब बोलेंगे सर जी अनमोल, अनमोल भी यानी कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। सर जी अमरूद भी तो बोलते हैं ना, अमरूद नहीं बोलते मेरे चांद के टुकड़े, अमरूद बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अमरूद। ठीक है, यहां पर बोलेंगे कवि, कवि भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, अमरूद हो जाएगा तत्सम है। ठीक है, अमरूद हो जाएगा तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। ठीक है, कौन सा तत्सम हो जाएगा? तो बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। और लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, शाबाश। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलते जाइए बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सर जी यानी कि दो के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेक्निकल टीम एक बार देखना। देखिए ये पासा बिल्कुल सही से दिख रहा है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दो के विपरीत आने वाली संख्या, दो के विपरीत कौन सी आएगी? यहाँ पर दो के विपरीत लानी है पासे में। पासा किस किस को आता है? देखिए जल्दी से हाथ खड़े कर दीजिए। हाँ यहाँ पर हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी दो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए 6 और 3 यहाँ पर दोनों दे दिए। ठीक है, चलिए 6 और 3 यहाँ पर भी दे रखा है, फिर तो एक झटके में आ जाएगा ना सर जी, दो के विपरीत डायरेक्ट हो जाएगा। जब दो संख्याएं विपरीत आती है, जब दो संख्याएं कॉमन आ जाए, तो तीसरी संख्या अपने आप विपरीत हो जाती है। और बिल्कुल बोलेंगे सर जी ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, वेरी गुड। एक हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हो जाएगा सर जी, बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से सर जी यानी कि पश्चिम से निकलती है और राज्य के चंबा घाटी में होकर बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितना आपके लिए यानी कि उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन लेना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर जिसने बताया उसका नाम लिया जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ यहाँ पर बोलेंगे बिल्कुल मुझे पूरी डाइस आती है, क्या बात है, बहुत अच्छे वेरी गुड। हाँ यहां पर हो जाएगा, हम बोलेंगे चिनाब नदी। नहीं सर जी, चिनाब नदी तो हिमाचल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में निकलती है, ये तो हिमाचल प्रदेश दे रखा है सर जी, बिल्कुल दे रखा है, तो लॉक कर दो ना। नहीं करेंगे मेरे चांद के टुकड़े, हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलती है चिनाब नदी? निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से निकलती है। कहां से? बारालाचा दर्रे से निकलती है, ध्यान में रखना है। एक हो जाएगा सर जी सतलुज नदी, सतलुज नदी तो कैलाश पर्वत से निकलती है ना, कैलाश पर्वत से। ठीक है, चलिए रावी नदी कहां से निकलती है? हम बोलेंगे बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा, रावी नदी निकलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल बोलेंगे कुल्लू पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? हाँ लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सही दे रहे, परंतु यहाँ पर यदि आ जाए रावी नदी तो सी को लॉक करना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्यास नदी भी निकलती है, कुल्लू के व्यास कुंड से निकलती है, ध्यान में रखना है। कुल्लू के सर जी रोहतांग दर्रे से निकलती है, पश्चिम से निकलती है और यानी कि चंबा घाटी से होकर यानी कि बहती है, तो वो रावी हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। व्यास नदी भी सर जी कुल्लू में सर जी व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सी को लॉक करना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे वेरी गुड। रावी लगभग यानी कि बिल्कुल हो जाएगा हैप्पी पर्पस डे, क्या बात है, कौन बोल रहा है हैप्पी पर्पस डे? देखें चलिए, हाँ शनि गुप्ता, शनि गुप्ता, रुक जा बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए यहां पर हो जाएगा सूर्यदर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यदर झील जल्दी से बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर जी। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, उत्तराखंड में हो जाएगी, या फिर मेघालय में हो जाएगी करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्यों होना चाहिए सर जी, नेम चाहे लिए जाए या नहीं जाने, क्या बात है क्या बात है। चलिए हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर जी बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है क्या? नहीं मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में नहीं, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे। देहरादून में स्थित है, बिल्कुल उत्तराखंड के देहरादून में सर जी स्थित है, देहरादून में, जो कि हो जाएगी सूर्यदर झील है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तराखंड और यानी कि क्या हो जाएंगे उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाएं लगती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए भारत के जीके से। ठीक है, अब वो बोलेंगे ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाह भाई वाह, क्या बात है, लाइव की संख्या 1500 पार कर दी है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। देखें हाँ यहां पर ध्यान रखना, बिल्कुल 10 तारीख परसों आपके रीजनिंग की महामैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास रीजनिंग की 10 तारीख को परसों। ठीक है, चलिए पूर्व हो जाएगा, पूर्व का तो सर जी पश्चिम हो जाता है। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा पूर्व का, तो यहां पर बोलेंगे अग्रज हो जाएगा, अग्रज नहीं होगा, अग्रज तो हो सकता है परंतु अग्रज नहीं होगा, अग्रज तो सर जी ज्येष्ठ होता है, बिल्कुल यानी कि बोलेंगे नहीं। कनिष्ठ हो जाएगा। बुध का सर जी भविष्य हो जाएगा, परंतु यहां पर बोलेंगे सर जी क्या, बिल्कुल बोलेंगे बुध का भविष्य वर्तमान, परंतु यहां पर बोलेंगे कनिष्ठ। क्या, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, कनिष्ठ यानी कि सर जी क्या हो जाएगा छोटा। सी को लोग कर देंगे, सी हो जाएगा। यहां पर भी एकदम लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए अपना आकलन कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ये आपके आता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, और मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। सर जी केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना में सर जी परिव्यय 66% बढ़ाकर सर जी रिक्त स्थान किया जा रहा है। कितना, 80,000 करोड़ सर जी। यहाँ फिर हो जाएगा सर जी 79,000 करोड़, यहाँ फिर हो जाएगा सर जी 50,000 करोड़, यहाँ फिर हो जाएगा 60,000 करोड़। लगभग विद्यार्थी को बहुत ही खूबसूरत आंसर देना है, बहुत ही बेहतर आपको आंसर देना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, हम देंगे 79,000 करोड़, बिल्कुल बी को लोग कर देंगे, बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट सर जी पीएम आवास योजना के तहत 66% बढ़ाकर, ब्रेकिंग न्यूज है, और बिल्कुल बी को लोग कर देंगे। 1 बार से 2 बार ध्यान में आ जाएगा, बहुत काफी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोलेंगे हाथ की छोटी उंगली को कनिष्ठ का बोलते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर जी आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो, अरुण बाबू जल्दी से बोलिए, रखें यह दिल तेरा दीवाना है। चलिए क्या बात है, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे। यहां पर देंगे अब यानी कि क्या आंसर देंगे, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। यह आता है विश्व के जीके से। कहां से, विश्व के जीके से क्वेश्चन है। और सर जी निम्न में से कहां आयोजित किया गया था, हम बोलेंगे न्यूबस आयर्स में सर जी, रियो डी जनेरिया में। ये कहां पर है, ब्राजील में। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्राजील में हो जाएगा। ये हो जाएगा सर जी दार एस सलाम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन देगा, देखे क्या बात है। तो यहां पर हो जाएगा बी को लोग करेंगे। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, हम बोलेंगे सर जी पहला हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में सर जी हुआ था, रियो डी जनेरिया ब्राजील में हुआ था। इनका दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, पर्यावरण या फिर अपना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी इसी का नाम है। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी इसी का नाम है। ठीक है, चलिए ये दोनों ध्यान में रखेंगे, ये चीजें पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें। प्रत्येक विद्यार्थी फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके आ जाएंगे, वेरी गुड। सुमित्रा यादव, हाँ चलिए बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ, सबको क्लास अटक रही है, सिर्फ मेरी ही नहीं, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए हैं यहां पर चलेंगे, अच्छा ये मैंने पहले दिया था आंसर, क्या बात है हर्षिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सर जी इसमें श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना भाई। इसमें हो जाएगा विनाश हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, श्री राधा हो जाएगा, यहाँ फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से देखिए आंसर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है बिल्कुल विनाश हो जाएगा सर जी। विनाश कैसे हो जाएगा, विनाश तो नहीं होगा, विनाश तो सर जी सृष्टि, विनाश सृष्टि, विनाश निर्माण हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश यानी कि शुरुआत करना, इतिश्री यानी कि खत्म करना किसी काम को, इतिश्री हो जाएगा। बिल्कुल बोलेंगे बी को लोग करेंगे, बी हो जाएगा। और लगभग विद्यार्थियों ने यदि बी को लोग किया है, शाबाश बहुत अच्छे। पल्लवी वेरी गुड, चलिए अनमोल वेरी गुड, चलिए अंतिमा शाबाश। चलें हाँ, यहां पर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लगा देना। इस क्वेश्चन में भी यहां पर पूछा जाता है आईपीसीसी शब्द का विस्तार करें। आईपीसीसी शब्द, इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल आपके काउंसिल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ आपके क्लाइमेट कंट्रोल, इंटर में आपके हो जाएगा पैनल ऑफ आपके क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, या फिर इंटर गवर्नमेंटल आपके पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। देखिए फटाफट से आंसर देंगे, इसमें करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, देखिए लगभग विद्यार्थियों का, क्या बात है सर जी बता दीजिए पाना क्या होता है, क्या बात है वेरी गुड। चलिए देखें हाँ, यहाँ पर बोलेंगे सर जी हो जाएगा, बिल्कुल लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हो, डी को लोग कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड। डी हो जाएगा सर जी इंटर गवर्नमेंटल आपके पैनल ऑफ क्लाइमेट आपके चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी को लोग करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, तो ये सर जी क्या था, क्लाइमेट चेंज यानी कि सर जी जलवायु परिवर्तन पर जो पैनल बनाया गया गवर्नमेंट सरकार द्वारा, सर जी हो जाएगा, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इनको बोलेंगे सर जी इसका मुख्यालय, ये आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन से आता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, एक न एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि बात करते हैं सर जी यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। यह हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और देखिए इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएंगे। सर जी मैंने सेव कर दिया है पहले से, आंसर डी है, क्या बात है वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर बोलेंगे शाबाश बहुत अच्छे, हाँ मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1988, वेरी गुड अनमोल बहुत अच्छे वेरी गुड। चलिए शाबाश, यहाँ पर चलेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर जी, संगीत और नृत्य हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, स्पोर्ट एंड गेम्स हो जाएगा, कला और संस्कृति। तो बोलेंगे अर्जुन पुरस्कार सर जी किसे? स्पोर्ट्स और गेम्स है सर जी द्रोणाचार्य। अर्जुन पुरस्कार किसको सर जी? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसको? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सर जी। द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसको? कोच यानी कि जो गुरु होता है ना, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता है। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी से आंसर दे रहे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य सर जी, वाक्य शुद्ध या फिर अशुद्ध दो। कला और संस्कृति कैसे हो जाएगा? मेरे चांद गुड़े राहुल राजपूत गलत आंसर दे रहा है। कला और संस्कृति इसमें भी, अरे इसमें भी गलत दे रहा है। मुर्गा बन जा बेटा हैं। चलिए ओके, राम गोपाल चलिए रखें। हाँ, यहाँ पर अरविंद आ चुका है, विशाल आ चुका है, वेरी गुड। चलेंगे यहाँ पर हो जाएगा सर जी, उसके घर में केवल एक पलंग है। भाई एक पलंग हो, दो पलंग हो, बोलेंगे तो यही ना, उसके घर में केवल एक पलंग है। ठीक है, चलिए सही है, केवल एक पलंग है, सही है। कोई काम में जल्दबाजी मत करो। कोई काम नहीं होता है, किसी काम में जल्दबाजी नहीं मत करो। क्या होता है? कोई काम में जल्दबाजी नहीं करेगा। एक तो ऐसा होता है, एक होता है सर जी यहाँ पर लिख रखा था कोई की जगह किसी आना चाहिए, कि किसी काम में जल्दबाजी मत करो। ये हो गया सर जी यहाँ पर गलत हो गया, और इसको ही लॉक करना है। किसको? बी को लॉक कर देंगे। बोलेंगे आजकल कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, सही दे रखा है। यहाँ पर हो जाएगा सर जी, दरिद्रता जैसा शत्रु कोई नहीं, दरिद्रता जैसा दूसरा शत्रु नहीं, बिल्कुल सही दे रखा है सर जी। दरिद्रता, गरीबी देखिए क्या भाई, गरीबी देखिए क्या। हाँ, अमीर आजकल अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, बोलते ना, तो ये भी शुद्ध वाक्य। चले हाँ, यहाँ पर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे यहाँ पर हो जाएगी भारतीय संसद के दोनों सदनों में सर जी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हम बोलेंगे सर जी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ फिर हो जाएंगे राज्य के सभापति। फटाफट से आंसर देंगे, देखिए एक ही झटके में। मनोज कुमार प्रजापति, CISF मेडिकल ड्यूक, क्या बात है, वेरी गुड मनोज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर जी मैं गरीब हूँ, क्या बात है, तू गरीब है? गरीब बोलता है क्या मैं गरीब है? उतना भी उसके पास में समय नहीं होता। चलिए हाँ, बिल्कुल हम भी गरीब है, बिल्कुल हम भी तो गरीब है ना, हम कौन से अमीर है, हम भी गरीब है, आपके साथ में ये मेरे चांद की जरूरत। चलिए रखें, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, रखें जल्दी से, और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा सर जी भारत के राष्ट्रपति। लगभग विद्यार्थी बिल्कुल बी को लॉक करे तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल। और ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, और यानी कि हमें ध्यान में इसलिए रखने हैं क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हड़बड़ी करते समय रोल नंबर हमेशा कभी भी गलत नहीं भरने हो। मार्कशीट में रोल नंबर सबसे पहले, मुझे पता है कि 50 लाख फॉर्म भरे, 7-8 लाख विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको सर जी यानी कि बिल्कुल यानी कि OMR शीट भरने नहीं आती, क्योंकि शुरुआत में यानी कि एग्जाम दे रहे होंगे। मुझे पता है यानी कि लगभग यानी कि 25 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि शुरू में एग्जाम दे रहे हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, ध्यान से OMR शीट भरनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वहां पर क्या है सभी अपना ही है। और 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिए आपके लिए, चिंता मत करना, 5 मिनट OMR शीट भरने। और बिल्कुल यानी कि मैंने जब नोटिस देखा व्हाट्सएप ग्रुप में, आज मैं नोटिस सेंड कर दूंगा। ठीक है, पहले जुड़ जाना 78 77 02 74 77 में, नोटिस मैं आपके सेंड कर दूंगा, वो नोटिस पढ़ लेना, उसमें क्या क्या लिख रखा है। कल ही आपके यानी कि वो यानी कि डाला था वेबसाइट पर, और मैंने देखा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोलेंगे सर जी मानस राष्ट्रीय, अरे मानस यानी कि मनुष्य होते हैं। मनुष्य कहाँ पर रहते? हम बोलेंगे मनुष्य पढ़े लिखे होते, और पढ़े लिखे कहाँ के होते? असम के होते, क्या केरल के होते ना सर जी, तो केरल हो जाता, तो मैं तो केरल को लोग करते थे, असम हो जाएगा। मानस असम, मानस असम। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट सी को लोग कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड लगभग विद्यार्थी। और यहाँ पर देखिए आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान बताऊं? हाँ जल्दी से बताएंगे कि सर जी हो जाएगा एक राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? जल्दी से बताइए कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? देखें जल्दी से, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? एक बताइए जल्दी से, काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा कहां पर हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए काजीरंगा, जो मुझे याद है वो मुझे पूछ रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे सर जी। एक पूछा जाता है हेमिस, तो कल ही बताया था आपको। एक होता है सर जी पेरियार कहां पर है? पेरियार बहुत बार पूछा जाता है, पेरियार नदी, चाहे पेरियार आपके हो जाएगा आपके राष्ट्रीय उद्यान। एक पूछा जाता है सर जी मानस तो बता दिया। एक बांदीपुर बहुत बार पूछा जाता है, बांदीपुर कहां पर है? देखिए जल्दी से बताइए। एक सर जी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये सर जी बहुत आसान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? हम बोलेंगे गिर सर जी गुजरात में हो जाएगा, गिर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात को लॉक कर देंगे। बांदीपुर कहां पर है भाई? बांदीपुर, बांदीपुर बांधने पर सर जी नाटक करते ना, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलेंगे पेरियार, पेरियार कहां पर है तो बिल्कुल बोलेंगे पेरियार हो जाएगा केरल में, वेरी गुड। यदि बोलेंगे काजीरंगा तो काजीरंगा तो असम में हो जाएगा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, अरे कान्हा कहां पे भाई, कान्हा हमारे सबके मध्य में ना, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश हो जाएगा। कान्हा भाई भगवान श्री कृष्ण हमारे सबके मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एक होता है सर जी बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि किसी को भी बांधते तो कहाँ से बांधते सर जी, मध्य से बांधते, तो मध्य से बांधते तो सर जी बांधवगढ़ भी कहाँ पर हो जाएगा, हम बोलेंगे बांधवगढ़ भी सर जी हो जाएगा बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है, ट्रिक लगा रहा हूँ। चले हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है बहुत अच्छा कि सर जी शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, अस्पृश्यता हो जाएगा सर जी, अस्पृश्यता हो जाएगा सर जी, अस्पृश्यता यहाँ फिर अस्पृश्यता हो जाएगी। देखिए जल्दी से बताएंगे, क्या बात है, वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे। नेशनल पार्क काजीरंगा, वेरी गुड, काजीरंगा असम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा सर जी, एक को लॉक कर देंगे, अस्पृश्यता लिखे जाती, क्या अस्पृश्यता, क्या बिल्कुल यानी कि लॉक कर देंगे। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, एक को लॉक करेंगे। यहां पर प्र ऐसे आता है, यहां पर ऐसे नहीं आता है ना, कि ऐसे आता है ना, कि ऐसे आता है। ठीक है, यहां पर लॉक करेंगे, ये श यानी कि पूरा नहीं आता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। सर जी गूगल के AI चैटबॉट का नाम क्या है, वो हो जाएगा सर जी क्या होता है, गार्ड होता है। क्या माइक्रोसॉफ्ट को भी सर जी ChatGPT को टक्कर दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या है, ChatGPT। ठीक है, AI सर जी गूगल का AI बोर्ड क्या है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, चलिए तो यानी कि कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आता है और उठता है तो सर जी उसका हो जाएगा बार्ड, हो जाएगा क्या, बार्ड हो जाएगा। गूगल के यानी कि चैट बोर्ड का नाम क्या है, हम बोलेंगे सर जी बार्ड हो जाएगा, जिस पर हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि गूगल पर जाकर पूछते हैं ना, बिल्कुल सर जी यहाँ पर पूछते हैं, मैं डायरेक्ट यानी कि गूगल पर सर्च करता हूँ यानी कि आंसर आ जाता है। चलिए लाइव की संख्या 1500 चल रही है, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके 1700 कर दीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंटी पर मोर बोल जाएगा, बिल्कुल क्या बात है। चले हाँ, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर कौन बता रहा है, जर्दी, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, अजानुबाहु बोलेंगे नहीं सर जी, अजातपुरु बोलेंगे नहीं, अज्ञात, अज्ञात तो नहीं होगा ना सर जी, अज्ञात यानी कि जिसका शत्रु ज्ञात नहीं है, अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है ना, डी को लॉक करेंगे। अजात शत्रु किसको बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं सर जी बिंदुसार को बोलते हैं, किसको, मौर्य सम्राट बिंदुसार को बोलते हैं। ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉक कर देंगे डी को, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है, वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए यहाँ पर देंगे सर जी दमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, स्टार लगा देना दमेक स्तूप के लिए। सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैथ की क्लास के लिए सुबह 9 बजे तैयार रहना, बिल्कुल। चले यहाँ पर हो जाएगा आगरा हो जाएगा सर जी, प्रयागराज हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, यहाँ फिर अलीगढ़ हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दमेक स्तूप सर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है और ये स्थित है सर जी सारनाथ के यूपी उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है, वाराणसी में हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए हाँ, शाबाश, यहाँ पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य है, हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश में 4 बाघ अभ्यारण्य है। एक हो जाएगा सर जी कौन सा, नाम दफा तो कल ही बताया था सर जी, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणा लिख दूंगा। ठीक है, चलिए मानस कहाँ पर है, अभी बताया मानस असम में, सभी को बताया असम में हो जाएगा। अभी वाल्मीकि कहाँ पर है, वाल्मीकि कहाँ पर है जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, वाल्मीकि सर जी हो जाएगा चंपारण बिहार में स्थित है। कहां पर है, बिहार में, बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीलीभीत सर जी यानी कि पीलीभीत आपके बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, हम बोलेंगे पीलीभीत सर जी यहां पर स्थित है। कहां पर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 बाघ के अभ्यारण्य, एक हो जाएगा पीलीभीत, ठीक है, एक हो जाएगा अमानगढ़, कौन सा, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा, एक हो जाएगा सर जी, एक हो जाएगा दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है सर जी, बोलेंगे दुधवा हो जाएगा। ठीक है, एक होता है सर जी रानीपुर, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, तीनों के तीनों, चारों के चारों ध्यान में रखने, पीलीभीत अमानगढ़ सर जी हो जाएगा बिल्कुल, एक को ध्यान में रखना है बिल्कुल सर जी दुधवा, और एक हो जाएगा रानीपुर। ठीक है, ये चारों के चारों बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि सर जी यदि हम बोलेंगे शुद्ध वर्तनी, अब इसकी क्षत्रिय हो जाएगी, क्षत्रिय हो जाएगी सर जी, क्षत्रिय तो नहीं होगा, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा, क्षत्रिय भी नहीं होता है ना। चलिए तो बिल्कुल हम यानी कि लॉक करेंगे ए और बी में से। देखें आंखों ही आंखों में किसको लॉक करेंगे, फटाफट तरीके से आंसर दीजिए, देखें क्या बात है, वेरी गुड। चलिए चलिए हाँ सर जी बहुत अच्छे, लखीमपुर हो जाएगा, लखीमपुर, क्या बात है। चलिए काजीरंगा असम में दुधवा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिल्कुल देंगे सर जी, हो जाएगा क्षत्रिय। कौन सा क्षत्रिय हो जाएगा? बिल्कुल, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। एक को लोग कर रहे हैं, क्षत्रिय हो जाएगा ये वाला, हमेशा बड़ी वाला नहीं होता है, क्षत्रिय को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर देख लो आधे बच्चे तो बी को ही लोग कर रहे हैं। बी गलत हो जाएगा, ए को लोग करेंगे, ए हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चले हाँ, यहां पर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिनिक आपके नगर कहा जाता है? स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। देखें प्रत्येक विद्यार्थी एक झटके में आंसर दीजिए, खींच के देखें। यहां पर हो जाएगा सर जी मुरादाबाद, हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद हो जाएगा, खुर्जा में हो जाएगा। तो सर जी बोलेंगे खुर्जा कहां पर है? बुलंदशहर। कहां पर हो जाएगा? बुंदेलखंड, बुलंदशहर में हो जाएगा सर जी, बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है, बुलंदशहर में क्या स्थित है? खुर्जा स्थित है। बी को डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, शाबाश। डी को लॉक कर दो सर जी, वेरी गुड। लक्ष्मी बहुत अच्छे, शाबाश। सुनील वेरी गुड, चलिए पूजा, शाबाश। अमिता, सोनम, क्या बात है, चलिए। गौरव वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखें यहाँ पर बोलेंगे कन्या सुमंगला योजना रिक्त स्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जल्दी से बताइए, स्टार लगा दीजिए। देखें और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या देंगे हैं? चलिए यहां पर हो जाएगा बोलेंगे लड़कियों के लिए रोजगार, कन्या सुमंगला योजना लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर नहीं, बिल्कुल बोलेंगे 15,000 रुपए दिए जाते थे। कितने? 15,000 रुपए। अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने घोषणा क्या की? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सर जी 15,000 को बढ़ाकर कितने 25,000 कर दिए जाएंगे। अरे खुश हो जाओ, मजा हो जाएगा। माताएं बहनें एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, देखें हाँ मजा आ जाएगा। यहां पर बोलेंगे सर जी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, गलत हो जाएगा। लड़कियों के लिए खेलों में भाग लेने के अवसर, नहीं सर जी। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक, आपके डी को लॉक कर देंगे। सुमंगला योजना कब स्टार्ट की गई? सुमंगला योजना सर जी यानी कि स्टार्ट की गई 2019 में, बहुत बार पूछा जाएगा। 2019 में स्टार्ट की गई और 2023 सर जी 2024-25 में घोषणा की गई। 15,000 से बढ़ाकर इसकी राशि कितनी 25,000 कर दी जाएगी। ठीक है, किस किस को मिला है देखें, जल्दी से बताएंगे 15,000 किस किस को मिले हैं। चलिए क्या बात है, वेरी गुड सर जी, बहुत बहुत दिक्कत है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, आपके यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे यहाँ पर तो बल्ले बल्ले चल रहा है, सब मामला एकदम सेट है। वहाँ पर ध्यान रखना, बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान रखना। चलिए हाँ, यहाँ पर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आई एम बैक, स्वागत है आप सभी का। चलें कि यहाँ पर चलेंगे सर जी निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद सर जी क्रिया या फिर क्रिया क्या सर जी विशेषण या फिर होता है संज्ञा सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि पहला पद संख्यावाची किसमें? विद्यालय, विद्या के लिए सर जी आलय, विद्या के लिए आलय सर जी ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। माता पिता में सर जी द्वंद्व समास है। आगमन में सर जी अव्ययीभाव समास है, सर जी गलत कर दो, त्रिभुवन हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते चौराहा, क्या बोलते? चौराहा बोलते, तो चौराहे में कौन सा समास होता है? हम बोलेंगे द्विगु समास, क्योंकि चो मतलब चार होता है, राह मतलब चोर यानी कि होता है, यानी कि चौराहा हो गया। ठीक है, दो राह, तिराह, त्रिभुवन में सर जी क्या हो जाएगा? बोलेंगे डी को लॉक कर देंगे, द्विगु समास हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर त्रिभुवन, शाबाश मेरे चांद के लोग बहुत अच्छे। सिलेक्शन लेने से अब की बार आपको कोई नहीं रोक सकता है, गाँव के गाँव खाली करवा देंगे। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे, चलते रहिए। देखें हाँ, ज्योति वर्मा आ चुकी है, देखें क्या बात है, वेरी गुड। ज्योति क्लास को लाइक कर दे, देखें हाँ, दिखा दे अपना दम, दिखा दे। चलिए देखें हाँ, चार राहों का समूह, क्या बात है। चलें तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी शबरी, शबरी संकल्प आपके अभियान उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान तक यानी कि शुरू किया गया था, स्टार लगा देना। यहाँ पर शबरी, शबरी कौन था सर जी? शबरी, शबरी के बेर खाने, क्या बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो रामायण में शबरी आती है, ठीक है, ध्यान तो है ना कि वो आंगन आंगन कुछ ना कुछ गाना था रामायण का, वो भी सर जी शबरी के लिए। तो बोलेंगे सर जी हो जाएगा गरीबी को खत्म करने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता को दूर करने के लिए। एक बार देखिए प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देगा, खींच के देख एक बार फटाफट से। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, न्यू कमेंट्स, क्या बात है, मजा आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, चलिए थैंक यू। हैं यहाँ पर बोलेंगे कोयल जैसी है क्या हैं? तो यहां पर बोलेंगे कुपोषण को खत्म करने के लिए बी को लॉक कर देंगे, क्या बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ध्यान में रखना है, शबरी संकल्प उत्तर प्रदेश में लिया गया और बिल्कुल बोलेंगे कुपोषण को खत्म करने के लिए बी को लॉक कर देंगे। और यहां पर लाइव की संख्या 1600 पार, क्या बात है, लाइक कर दो। देखें एक बार प्रत्येक विद्यार्थी लाइक करके देखें, दिल गार्डन गार्डन कर दो। देखें हाँ, चलिए यहां पर अटक गई क्या क्लास? अटक गई हाँ, कोई बात नहीं, क्लास तो अटकती रहती है, चलती रहती है, माफ़ी चाहूँगा। क्लास तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कीजिए। कल मैं आपके लिए वाईफाई लगवा दूंगा। जैसे ही मेरा यूट्यूब का पेमेंट आएगा 21 तारीख को वाईफाई लग जाएगी, ठीक है, चिंता मत करना। मैं उधार लाकर 8,000 रुपये उधार लाकर आपके लिए वाईफाई लगा दूंगा, ठीक है, और फिर यूट्यूब का पेमेंट आएगा उधार ही चुका दूंगा, चिंता मत करना, ऐसे नहीं खाएंगे। ओके चलिए चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सर जी सब लड़कियों के नाम लेते हो, क्या बात है छोरा। अभिषेक दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए यहाँ पर देंगे सर जी हरदोली कथा एक गीत है, ठीक है सर जी, हरदोल कथा एक गीत है, विशेषकर रिक्त स्थान का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सर जी फैला हुआ है। मिर्जापुर हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, अवध हो जाएगा, यहाँ फिर ब्रज में। देखिए जल्दी से बोलेंगे, एकदम सटीक आंसर देना है एक ही झटके में, गलत आंसर नहीं देना है। यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी, बी को लॉक कर देंगे। हरदोल, हरदोल कथा सर जी लोकगीत है जो कि विशेषकर बुंदेलखंड, बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महामैराथन क्लास में आपको सभी बताया था, है ना। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्या बात है सर जी, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, हैं, नाम लेंगे तो बिल्कुल घर के सामने डीजे बजाओगे क्या, मुझे पानी पूरी खिलाओगे क्या मुस्कान, हैं, मुस्कान त्रिपाठी, पानी पूरी खिलाओगे क्या नाम लूंगा तो, हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीव्र इच्छा सर जी, किसी को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है। चलिए किसी को जानने का इच्छुक सर जी क्या कहलाता है, सर जी किसी को जानने की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है, ठीक है, परंतु बोलते हैं सर जी तीव्र इच्छा रखने वाला अपकर्ष कहलाता है। अनुपम नहीं सर जी, अशक्य नहीं, अनुपम तो सर जी, अनुपम एक अलग चीज होती है। यहां पर बोलेंगे बिल्कुल सर जी जिसकी उपमा ही नहीं की जा सके उसे अनुपम बोलते हैं, परंतु बोलेंगे सर जी बिल्कुल बोलेंगे अभित शाह, क्या बोलेंगे, डी को लॉक करेंगे। अभित शाह किसको बोलते हैं सर जी, तीव्र इच्छा रखने वाला, यानी कि क्या होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये तो मुझे चाहिए तो किसी हालत में चाहिए, है ना, तो उसको बोलेंगे सर जी। जैसे कि वर्दी की तीव्र इच्छा आपको है कि नहीं है कि हमारे भी सीने पर वर्दी होगी, रात दिन मेहनत करेंगे पर वर्दी तो होकर रहेगी, तो उसको बोलते हैं सर जी तीव्र इच्छा बोलते हैं। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि सर जी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी यूपीएससी में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कपास की एक देशी किस्म की बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त समय है। बोलेंगे कपास के लिए पूछ लिया, कपास कौन सी फसल है, देखे रबी है कि खरीफ है, ये भी आपको पता है कि नहीं पता है, खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है कपास, जल्दी से बताइए। देखें एक झटके में आंसर आना चाहिए। देखें यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल का प्रथम पखवाड़ा सर जी, अप्रैल के मध्य में, मई का प्रथम पखवाड़ा यहाँ पर हो जाएगा मई के मध्य में, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। अप्रैल का प्रथम 15 दिनों में पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन में बोई जाती है, बिल्कुल, यानी कि ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा। तो सर जी अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में कौन सा होता है, रबी होती है कि खरीफ होती है मेरे चांद के टुकड़ो, ये भी नहीं पता, अरे भाई ये भी नहीं पता है क्या। चलिए बिल्कुल बोलेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको ही देना है अब, ठीक है, खरीफ है सर जी, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। रवि, रवि नहीं होता है, रबी होता है, ठीक है। चलिए खरीफ, अप्रैल, क्या बात है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सर जी हो जाएगा विश्व अल्जाइमर दिवस, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोला जाएगा सर जी हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखना है, विश्व अल्जाइमर दिवस सर जी 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, सर जी हो जाएगा हृदय को प्रभावित करता है, जिगर को सर जी, मस्तिष्क को, यहाँ फिर फेफड़े को। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का, इतना बहुत आप सपोर्ट करते हो इसके लिए और इतना बोलते हो आप, थैंक यू। चले ओके, यहाँ पर हो जाएगा बोलेंगे सर जी अल्जाइमर, यानी कि सर जी क्या होता है अल्जाइमर, सर जी सी, मस्तिष्क को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ध्यान से देख लेना है मस्तिष्क कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखो मस्तिष्क को भी अशुद्ध लिखा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क हमेशा ऐसे लिखेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अवज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ सर जी सर्वज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ यानी कि कम स्थानों पर जाने वाला, कम यानी कि कम हो जाएगा, तो सर जी सर्वज्ञ यानी कि सभी स्थानों पर उपलब्ध, सी को लॉक कर देंगे, ठीक है। भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो सर्वज्ञ है, तो क्या बोलेंगे सर जी अल्पज्ञ सर्वज्ञ हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। बाकी सब गलत दे रहे। आज्ञा दर्शन, क्या बात है, अच्छा अच्छा प्रदर्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाँ यहाँ पर बोलेंगे सर जी टाइम, टाइम की यानी कि हो जाएगा पत्रिका सर जी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में सर जी कौन सा कंपनी शीर्ष स्थान पर रही, जल्दी से बताएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 की सर जी क्या हो जाएगी, करंट अफेयर की क्लास है और ये हो जाएगा सर जी करंट अफेयर का क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट को लॉक करेंगे क्या, बिल्कुल डायरेक्ट लगभग विद्यार्थी सी को लॉक करें, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है, गलती 1% नहीं करनी है, ठीक है सर जी। आपका तबीयत सही हुआ, बिल्कुल प्रिया बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए खराब ही कब होता है हमारी तबीयत, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी तबीयत खराब होती है ना तो भी हमें पता ही नहीं चलता है। सर आपका पाया, क्या बात है, आपका पाया समझ नहीं आता है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आपका पाया क्या होता है, अब ये पाया क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलिए चलिए, हाँ सर जी मेरा नाम ले लो, आपको गोलगप्पा खिलाऊंगी, क्या बात है मिता हैं। चलिए नाम ले लिया, अब खिला देना, झूठ मत बोलना किसी से। चलिए यहाँ पर बोलेंगे सर जी बिल्कुल रिक्त स्थान आधार, आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण की शुरुआत करने वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पहला राज्य कौन सा है, बिल्कुल ये तो हो जाएगा सर जी सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा तो किसी को नहीं पता है तो नागालैंड हो जाएगा डी। परंतु बताइए आधार में संख्या कितनी होती है, आधार कार्ड पर जो संख्या लिखी होती है वो कितने नंबर की होती है, ऑप्शन दो 11 नंबर की होती है, 10 नंबर की होती है, 8 नंबर की होती है या फिर 12 नंबर, कितने अंक होते हैं आधार कार्ड की संख्या में, कितने अंक होते हैं जल्दी से बताइए आधार कार्ड की संख्या में, जल्दी से बताइए। सर जी आपको नहीं पता, आप बच्चों का नाम लेते हो तो बच्चों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वर्षा हाँ बिल्कुल मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपका नाम लेकर, पर क्या करूं इतने विद्यार्थी क्लास देखते हैं तो किस किस का नाम ले फिर हैं। चलिए सर जी हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो, एक रील देखी थी मैंने, हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हो और फिर उधर से भूतनी निकल के आती है तो डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर जी आधार कार्ड में 12 संख्या होती है, 12 अंकों की एक संख्या होती है, ठीक है। चलिए लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, 14 कैसे हो जाएगी हैं, 14 कैसे हो जाएगी, अब मुझे गिनने पड़ेंगे 38 24 मेरे आधार कार्ड 38 24 02 27, हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही तो होती है ना, 14 कैसे दे रहे हो, बच्चों को गुमराह कर रहे हो, बच्चों को गुमराह करने पर क्या बात है। तो यहाँ पर बोलेंगे 4 संख्याएं मैं नहीं बताऊंगा मेरे चांद के टुकड़े, अभी खाता खाली कर दोगे मेरा हैं, 4 संख्याएं नहीं बताऊंगा मैं, गलती नहीं करूंगा। चलिए इतने विद्यार्थी में से कोई तो हैकर भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर बोलेंगे सर जी द्वीप और द्वीप, एक होता है सर जी द्वीप और द्वीप, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, एक होता है सर जी यहाँ पर बोलेंगे काश और एक होता है कास होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक सर जी होता है कप्पी, कप्पी होता है एक नहीं होता है, हम बोलेंगे कप्पी होता है, एक होता है कप्पी, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, काश का अर्थ होता है शायद होता है, ठीक है शायद हो जाएगा। सर जी कास का अर्थ क्या होता है, खांसी होता है, जो खांसी चलती है ना मुझे वो खांसी, ठीक है। कप्पी का अर्थ क्या होता है, हम बोलेंगे कप्पी का अर्थ होता है बंदर, गिरनी सर जी कपी, इस कपी का मतलब क्या होता है गिरनी हो जाएगा। एक किला होता है ऐसा, एक किला होता है ऐसा और एक किला होता है ऐसा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो इस किले को क्या बोलते हैं, इस किले को बोलते हैं गढ़ बोलते हैं भाई, और इस किले को बोलते हैं खूटा, वो गायों का बांधने का नहीं होता है कि हम तो गांव देहात से ना भाई, गायों का बांधने का होता है उसको खूंटा ही तो बोलते हैं ना, वो खूंटा सर जी गड्ढा यानी कि गड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं खूंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वीप का हो जाएगा सर जी, एक द्वीप का तो हमें पता है टापू है, दूसरे द्वीप का हाथी है, परंतु कौन सा हो जाएगा, एक को लॉक करेंगे सर जी पहले द्वीप का हाथी और दूसरे का टापू हो जाएगा, एक को लॉक कर देंगे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाँ कल मैंने एक क्वेश्चन बीच में लिया था और बिल्कुल यानी कि आपको समझ में नहीं आया, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जी ये क्वेश्चन आपने बताया नहीं, मैंने होमवर्क में दिया था मेरे चांद के, मैंने बताया था कि इसमें डी को लॉक करना है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, परंतु आपने बोला, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट ही यानी कि ऐसे आ रहे थे कि सर जी यानी कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से रख दिया, ठीक है। चलिए रखें, इसी बात पर एक बार क्लास को लाइक कर दो। देखें यहाँ पर बोलेंगे क्राउड, एक बार आप लिख दीजिए A B C D, वैसे जैसे ही जाओगे कॉपी में ये लिखना है DEFGHIJKLMN, यहां से स्टार्ट करना है, इधर से नहीं, NO P Q R S T U V W X Y और Z। कुछ नहीं आता है, इतना तो आता है क्या, हम बोलेंगे हाँ सर जी कोडिंग डिकोडिंग में इतना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16 ऐसा लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। सर जी क्राउड लिख रखा है और यहाँ पर लिख दिया इस संख्या को ऐसे। अब लिखना है सर जी हमें कैसे, क्राउड को सर जी CROWD, ठीक है। अब इसमें सर जी मैंने बताया था कि स्वर को नहीं लेना है, स्वर का डायरेक्ट लिखना है सर जी। स्वर को 15 का 15 लिख रखा है। सी का उल्टा क्या होता है, हम बोलेंगे सी का उल्टा x होता है, ठीक है। चलिए सी का उल्टा x होता है, ठीक है। सी का उल्टा तो w भी तो होता है ना सर जी, हाँ w नहीं, सी का उल्टा x हो जाएगा, ठीक है। सी का उल्टा यदि x होगा तो यहाँ पर सर जी 41 और यहाँ पर 59 और यहाँ पर 24, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा भी तो दे रखा है ना, तो बिल्कुल मेरे चांद के टुकड़े, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल यानी कि सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हो जाएगा इसका तो डायरेक्ट 15 लिखना है। अब यानी कि इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए सर जी यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ओ यहाँ पर 15 पर आ रहा है। वोवेल वोवेल को, स्वर स्वर को देखिए, ओ यहाँ पर 15 हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट सर जी व्यंजन है ना, व्यंजन की उल्टी संख्या लिख रखी है। जैसे कि सी का उल्टा 23 होता है, तो यहाँ पर सी का उल्टा सर जी x होता है, x 23 पर आता है। वैसे ही डी का उल्टा w होता है, w सर जी किस पर आता है, हम बोलेंगे सर जी w 23 पर आता है, x 24 पर आता है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखना ऐसी चीजें। तो ये 24 लास्ट में दे दिए, 23 आगे दे दिए, ऐसे आगे पीछे कर कर लिखना था, ठीक है। चलिए परंतु इतना भी नहीं आया क्या, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जैसे कि क्या लिख रखा है, हम बोलेंगे TRIHICK, तो सर जी आई आ गया। आई कितने पर, 9 पर आता है, तो पहले ही यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ फिर ये 9 मानो तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सर जी हमें देखना है क्या, बिल्कुल देखना है मेरे चांद वीडियो। यहाँ पर देखिए AEIOU में से क्या दे रखा है, हम बोलेंगे AEIO में से तो U दे रखा है, एक दे रखा है ए, ये दे रखा है, तो सर जी लास्ट में यानी कि क्या आ रहा है, हम बोलेंगे ए आ रहा है 1 नंबर पर, बिल्कुल लिख लीजिए 1 नंबर पर, और U आ रहा है 21 नंबर पर, तो बिल्कुल U 21 नंबर पर, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल D को लॉक कर देंगे, और कंपेरिजन थोड़ा बहुत करने के बाद में आपको पता चलेगा, और थोड़ा बहुत क्रॉस गुणा करने के बाद में, ऐसे क्रॉस करने के बाद में बिल्कुल आपको पता चलेगा कि सर जी इसका आंसर डायरेक्ट D लिखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी मैं इसको कर चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत माइंड ब्लोइंग है सर जी, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलें, हाँ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा दे रहा हूं, चिंता मत करना, एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा दे रहा हूं, और इसका आंसर आपको देना है। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, और बिल्कुल होमवर्क में देना, और बिल्कुल यानी कि होमवर्क में इसका आंसर करेक्ट देना है। अभी मैं बिल्कुल आपको क्या बता रहा हूं, ऑप्शन भी नहीं बता रहा हूं, और रीजनिंग की महामैराथन क्लास होगी, उसमें आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। 10 तारीख को आपके ध्यान रखना, परसों आपके रीजनिंग की महामैराथन की क्लास होगी। यह क्लास आशा और उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। और एक बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो मेरे चांद के टुकड़े, एक बात, जो आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं वो काफी नहीं होंगे। जैसे ये हरिशंकर पहली, हरि किशन सर जी पहली रैंक पर आए और 173, 300 में से 173 बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, परंतु थोड़ी और कोशिश करनी है, ध्यान देना है। महामैराथन क्लासें लीजिए, बिल्कुल आपके लिए लगाई जा रही है, तो वो क्लासें लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बेटर मिलेगा। और आप भी बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि यानी कि सत्या के आए 151 नंबर, आधे नंबर आए, कैसे सिलेक्शन दिलवाए हैं, शर्म नहीं आती है? इसका मतलब यहाँ तो फिर आपने यानी कि पूरा टेस्ट नहीं दिया होगा, यहाँ फिर पूरा टेस्ट दिया होगा, तो बिल्कुल यानी कि आधा टेस्ट दिया होगा और आधा आपको नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ फिर गणित में डाउट होंगे, कौन सी सब्जेक्ट में डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, चिंता मत करना, पढ़ा देंगे, ठीक है। 9 दिन आपके लिए काफ़ी है और पढ़ा देंगे, नहीं चिंता करनी, कोई भी चिंता नहीं करेगा, ओके। चलिए, और बिल्कुल आपको भी यानी कि लेनी है टेस्ट सीरीज और यानी कि टेस्ट देना है, तो 99 रुपए में वन सीट एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। वन सीट एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, और वहां पर लिखकर आपको ये लोगो वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके आपको क्या करना है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज में जाकर पेमेंट करना है 99 का और खरीद लेनी है। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहता है, या फिर बिल्कुल यानी कि खुद पेमेंट इस नंबर पर करके भी कॉल कर सकते हो। आपका बिल्कुल यानी कि टेस्ट सीरीज में टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवा देगी। 10,000 रुपए, इतने महीने के 10,000 रुपए एक आदमी को दे रहा हूं आपकी टेस्ट सीरीज के लिए, चिंता मत करना, ठीक है ना। मुझे यानी कि 99 रुपए में से कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु आपके टेस्ट के लिए यानी कि इतना करना पड़ता है मुझे, इसलिए ठीक है। 78 77 02 84 77 पर कॉल या फिर मैसेज करके टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहां पर बिल्कुल आपको पेमेंट करके भेज देना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए सर जी प्लीज़ मेरा पाना दे दो, क्या बात है, कोफन, चलिए बहुत आपके यानी कि दे दूंगा, चिंता मत करो, दे दूंगा। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मुस्कान। चले, हाँ सर जी मैथ में बहुत थॉट है, क्या बात है, चलिए, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। सभी को इतना प्यार देने के लिए सभी को थैंक यू। वन सीट एकेडमी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना, ONESEAT01 वन सीट, ठीक है, 1 सीट 01 ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर देना। 1 घंटे में जो फॉलो करेगा फॉलो बैक मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धुएंदार तरीके से तैयारी करो। और जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फ़ोन करके, कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट करके क्लास को लाइक कर देना। क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी आपको, ठीक है। चलिए, और कुछ भी कमेंट हो, कोई सा भी क्वेश्चन आपको यानी कि लग रहा हो कि सर जी ये नहीं आ रहा है मुझे, तो कमेंट में बता देना, ठीक है।